क्लास 10 का पहला चैप्टर लाइव प्रोसेसेस बायो का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेसेस। इसके बाद हम लोग फिर और भी सारे वीडियो वगैरह बनाते जाएंगे। नोट्स भी आप लोग साथ ही साथ लिखते जाइएगा। समझाने वाला वीडियो अलग है, ये वीडियो मैंने खासकर इसलिए बनाया है कि इसके साथ साथ आप लोगों का नोट्स भी कम्प्लीट होते जाइएगा और आप लोग को समझने में भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये लाइव प्रोसेसेस। देखिए इसको, ये कुछ चैप्टर का सारा नोट्स आपके सामने है। हम लोग का चैप्टर है लाइव प्रोसेसेस। नोट्स जितना खूबसूरत रहेगा उतना अच्छा लगता है आपको पढ़ने में भी, तो कोशिश कीजिए नोट्स को खूबसूरत बनाएं। ठीक है, जल्दी ही सारे के सारे नोट्स आपको ऑनलाइन भी ये सारे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, ये आपने दिया उसके इंट्रोडक्शन। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ समथिंग विच इज लिविंग। लिविंग मतलब नॉट डेड, मरा हुआ नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके लिए वर्ड आता है क्या, अलाइव। क्या वर्ड आता है, अलाइव। अलाइव का मतलब होता है क्या, अलाइव नहीं, इंग्लिश में हम लोग इसको जिसमें लाइफ हो, अलाइव दैट मीन्स जिसमें लाइफ हो। अगर हिंदी में अगर उसको देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर वो क्या है, जीवित है या जिंदा है। हम लोग जो बात बोलते हैं ना, वही इंग्लिश में उसका वर्ड मीनिंग क्या है, अलाइव। क्या वर्ड मीनिंग है, अलाइव। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई जिंदा है या मरा हुआ है, इसका डिसाइड हम लोग कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन ये चैप्टर का अगर देखा जाए, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। नहीं तो देखो, कोई बोलेगा सर सांस ले रहा है, सर ग्रोथ हो रहा है, तरह तरह की चीज उसमें सारा बोलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब भी आएगा कोई बोलता है ना, बोलेंगे सर सांस ले रहा है, ठीक है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, ये सब सारा का सारा अपना सोचना, सारे कोई क्या सही है कि नहीं गलत है, सारे को सोचिएगा। अगर कोई जिंदा है या मरा हुआ है, डिसाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो वर्ड है वह हमारा क्या, मूवमेंट। क्या वर्ड है, मूवमेंट। अगर हो रहा है दैट मीन्स उसके लिए क्या, वो जिंदा कहा जाता है। नहीं, जितना भी लिविंग थिंग्स है संसार में, नहीं, अगर वो मूव कर रहा है, मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी बाहरी सहायता के अगर उस मूवमेंट हो रहा है, तो ये मान के चलिए, क्या मान के चलना है, कि वो अलाइव है, वो क्या है, जिंदा है। ठीक है, अब आता है फास्ट मूवमेंट विच कैन बी ऑब्जर्व इजली, द मूवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट। ठीक है, फास्ट मूवमेंट इसको दो कैटेगरी हम लोग बांटते हैं। ठीक है, एनिमल्स, एनिमल्स या हम लोग का जितना मूवमेंट वगैरह दिख रहा था क्या होता है, साइज दिखता है, हम लोग काफी तेज से उधर भागते हैं, कुछ लोग कमाने के लिए भागते हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए भागते हैं, कुछ लोग पढ़ाने के लिए भागते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए आज भागते हैं। ये तो इजी वे में हम लोग दिख जाता है, नहीं। और एक होता है स्लो मूवमेंट, मूवमेंट हो रहा है जैसे प्लांट में, ठीक है, विच कैन बी ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व, इसको हम लोग के लिए देखना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग भी मूवमेंट उनमें भी होता है। आप बोलेंगे सर हवा चलता है, वो नहीं, हम बोले क्या, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, तो मूवमेंट को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फास्ट मूवमेंट जो एनिमल्स में देखने को मिलता है, स्लो मूवमेंट जो हम लोग कहाँ देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं। ठीक है, अब आता है एनिमल्स, एनिमल्स क्यों मूव करते हैं, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। एग्जांपल में भी देख लीजिए, नहीं, जंपिंग फ्रॉग, फ्लाइंग बर्ड, मूविंग हैंड्स, मूविंग चेस्ट, ब्रीथिंग डॉग, मतलब बहुत सारा है, वैक्स वैक्स डॉग, वैक्स टेल्स, मतलब अपने जो पूछ को हिलाता है, वो सब सारा क्या, मूवमेंट ही तो हो रहा है। ठीक है,
प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, सच इज उनका लीव्स हिलता है, फ्लावर्स मूव कर सकता है, शूट्स मूव कर सकता है, रूट मूव कर सकता है टुवर्ड्स अ स्टिमुलस. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिमुलस, इसको याद रखिएगा. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जिस बच्चे को स्टिमुलस वर्ड समझ में आ जाता है वो आसानी से चैप्टर को कर सकता है. स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस जिसे अचानक आप चल रहे हो, अचानक कोई आवाज दे दी आपके नाम से, आप तुरंत घूम के देख लिए, नहीं अचानक जा रहा है, तेज रोशनी आपके आंख में पड़ता है और आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, या कम मतलब तेज क्या कहिएगा उसको, कुछ पांव में छुपता है, ठीक है. तो ये सब सारा क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्टिमुलस. ठीक है, तो सनलाइट जब पड़ता है तो प्लांट का रूट शूट सिस्टम सनलाइट की तरफ ग्रोथ करता है, जबकि सनलाइट के अगेंस्ट में रूट बढ़ता है. ठीक है, इसको कहते हैं ट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म क्या हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. अगर रूट जो बढ़ रहा है नेगेटिव हो गया क्योंकि सनलाइट के उल्टा साइड में ग्रोथ कर रहा है, जबकि सनलाइट की तरफ ग्रोथ कर रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया. नहीं, ग्रेविटी है, रूट क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर मूव कर रहा होता है, उसका ग्रोथ हो रहा होता है. नहीं, जियोट्रॉपिज्म कहला गया, जबकि सूट सिस्टम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, सूट सिस्टम क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो क्या हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया. वाटर है, अगर देखा जाए रूट, रूट कहाँ पर मूव करता है, रूट मूव करता है आपका जिधर पानी चाहे पानी मिलेगा उधर मूव करेगा, दैट मीन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया. और जबकि सूट क्या होता है उसके उल्टा साइड में मूव करता है, इसको हम लोग नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे. तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं. एग्जाम्पल में अभी बताया मूवमेंट ऑफ सूट, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. नहीं, उसी प्रकार से आपका हो गया फ्लावर्स का सनफ्लावर मूव करता है लाइट की तरफ. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका, छुईमुई का पौधा, देखिए वो ना आता है एग्जाम में, टच मी नॉट प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, मिमोसा पुडिका. पड़े हो गए मैंगो का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका. नहीं, मेढक का क्या होता है, फ्रोक्सराना टिग्रिना. नहीं, मेढक का क्या होता है, सॉरी मटर का क्या होता है, पाइसम सेटाई. बहुत सारे आप लोग देखिए सब सारा. लेकिन अब आता है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जो कि जिंदा नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स विच आर नॉट अलाइव, वो कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ. बेंच कुर्सी टेबल या तुम उठा के हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पड़ता है. नहीं, देखिए आपका दिया हुआ स्टोन, स्टोन क्या होता है, स्टोन को भैया आपको इधर से उधर ले जाकर मूव करना पड़ेगा. कुर्सी टेबल चेयर जितना भी सब, तो वही सब एग्जांपल है, उसको ध्यान में हम लोग को रखते हैं यहाँ पर. नहीं, अब आता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल्स, ठीक है, वो किसके किससे बने होते हैं, मेडअप ऑफ टीनी लिविंग यूनिट्स. इसी को हम लोग किससे बना होता है, 9th क्लास में पढ़े थे ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं सेल से. किससे बने होते हैं, सेल से. सेल जितना भी रहता है वो किससे, देम सेल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है. आगे ना केमिस्ट्री में हम लोग इन कर गए. नहीं, किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने रहते हैं. और ये जो मॉलिक्यूल हमारे अंदर में रहता है, द मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल केस क्या होता है, ये सब काफी ज्यादा, ये हम लोग नेकेड आई से देख पाना मुश्किल है. इसलिए मान ली कि कभी किसी का बहुत ज्यादा तबियत खराब होता है, कुछ चला जाता है, तो उसके डॉक्टर आते हैं, उनके नाड़ी वगैरह चेक करते हैं, नहीं पल्स चेक करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से डालते हैं और टच करते हैं. अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इनसाइड में हो रहा है, दैट मीन्स उसका क्या है, वो मतलब ऑर्गेनिज्म जिंदा है. नहीं, डॉक्टर आता है, नब्ज देखता है, पल्स चेक करता है, चेक करने के बाद वो बताता है हाँ ही और सी इज डेड और ठीक है अलाइव. क्लियर यहां तक? अब बोलता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. यहाँ पर क्वेश्चन यहां से आपका इम्पोर्टेंट आ गया, क्या क्या चीज देखते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स में. लिविंग है तो पक्का मूव करेगा, नहीं कैन मूव इजली, वो मूव करेगा. अगर लिविंग है तो भैया उसको फूड भी जरूरी है, एयर भी चाहिए सांस लेने के लिए, वाटर भी चाहिए,
वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ग्रो करेगा, या तो इधर ग्रो करे चाहे इधर ग्रो करे, नहीं ये तो होना ही होना है, ठीक है। कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, ठंडा पड़ रहा है तो उसके अनुसार रिस्पॉन्स देगा, गर्मी पड़ रहा है तो उसके अनुसार रिस्पॉन्स देगा। रेस्पायर दैट मीन्स वो क्या करेगा, एनर्जी ऑक्सीजन लेगा और लेकर उसको फूड को अंदर ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी को, CO2 को बाहर निकालेगा और एक्सक्रीशन करेगा, कहीं गेट रीड ऑफ इंग्लिश का है आपको इस रीड ऑफ मतलब छुटकारा, इससे वेस्ट मटेरियल्स के निकालेगा निकालेगा और वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस भी पक्का करेगा। कि ये 7 जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको ध्यान में रखिएगा, क्या क्या अगर लिविंग थिंग्स है, नहीं राइट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, तो बोलेंगे सर लिविंग थिंग्स मूव कर सकते, लिविंग थिंग्स है तो उसको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, लिविंग थिंग्स है तो ग्रो करेगा, लिविंग थिंग्स है तो अपने आसपास अगर एनवायरमेंट में किसी तरह चेंजिंग आ रहा है तो उसकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग देगा, मतलब रिस्पॉन्स उसके अनुसार दिखाएगा, रिस्पायर करेगा, एक्सक्रीशन होगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो चलिए चैप्टर का हम बोलेंगे, सर हम लोग तो पढ़ रहे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो हम पहले भी एक बार बताए हुए थे कि बायो का एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्या वर्ड मैंने बताया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अगर ध्यान होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नहीं क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, याद है किसी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बताइए कोई भी, हम लोग के बॉडी में कंटिन्यू क्या करता है, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, नहीं हम लोग सोए रहे हैं चाहे जागे रहे, डिस्ट्रक्शन का भी काम हमारे बॉडी में चल रहा है, नहीं तो यही बॉडी में जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक और क्या कर सकते हैं इसको, एनाबॉलिक, ठीक है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। चलिए तो देखते हैं यहां पर, एनाबॉलिक हो गया, कैटाबॉलिक हो गया, समझ में आ गया, तो मेटाबॉलिक का दो बेटा हो गया एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक दैट मींस कंस्ट्रक्शन का काम जो हमारे बॉडी में जा रहा है, सो दैट इज नोन एज एनाबॉलिक, और जो हम लोग के बॉडी में डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक, नहीं इसको हम लोग क्या कहते हैं कैटाबॉलिक। चलिए तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, अगर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम हमारे बॉडी में नहीं हो और बीमार पड़ जाएंगे, तो ये टू मेंटेन द बेसिक फंक्शन, ये तो बेसिक फंक्शन है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किस लिए, तो जिंदा रहने के लिए, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। या फिर एक और अगर एग्जाम्पल दे लेना चाहो तो लिख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एग्जिबिट द फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, यही तो था हमारे चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में आता है बोलेंगे अगर हम लोग न्यूट्रिशन ही किए, लाइफ प्रोसेसेस का एग्जाम्पल, अगर न्यूट्रिशन नहीं किए तो क्या होगा, हालत खराब हो जाए, बैंड बच जाएगा, ना तो हम पढ़ा पाएंगे ना तो आप पढ़ पाइएगा, नहीं तो इन्वॉल्व द, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। आप लोग पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, डाइजेशन चैप्टर, डाइजेशन है, आप लोगों को हम बताएंगे। न्यूट्रिशन क्लियर हो गया, हम लोग जो फूड इन बॉडी के अंदर डालते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तोड़ टूट जाता है और उसके बाद हम लोग बॉडी के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाता है जितना जिसको जरूरत है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या हो गया, ऑक्सीजन लिए, नहीं ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ब्रीदिंग हो गया, लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन इनहेल किए वो ऑक्सीजन जाता है, फूड हमारे बॉडी के अंदर जा चुका है, उस फूड के अंदर एनर्जी छिपा हुआ है, वो ताला रहता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जाता है उस ताला को खोलता है, वहां से एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी फिर डिफरेंट सेल्स को दे दिया जाता है, उस सेल अपने अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार उस ऑक्सीजन को ले लेता है और वहां से CO2 को रिलीज करता है, जो कि फिर फाइनली जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हम लोग के
नॉस्टिल से बाहर एनवायरनमेंट में आ जाता है. नहीं, यही आपका है क्या, द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज नॉन एज रेस्पिरेशन. ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा इनहेलिंग और एक्सहेलिंग रेस्पिरेशन है. ठीक है, याद रखिये दैट इज नॉन एज ब्रीदिंग. अब आता है ट्रांसपोर्टिंग. ट्रांसपोर्ट जाहिर सी बात, ऑक्सीजन हमारे नॉस्टिल से जा रहा है तो उसको डिफरेंट सेल्स फ्रॉम द हेड टू द टू उसको जाना मस्ट है. तो उसको ले जाने वाला तो कोई होना चाहिए. खाना खा रहे हो भैया, पेट में जा रहा है, वहां से फिर पूरी बॉडी में दौड़ाने वाला तो कोई चाहिए. तो ट्रांसपोर्टिंग का काम भी हमारे बॉडी में होना मस्ट है. द प्रोसेस इन विच आर सबस्टांस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन एज ट्रांसपोर्ट. अब आता है एक्सक्रीशन. जाहिर सी बात है कि हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल भी तो बन रहा है. नहीं, और जिस प्रोसेस के द्वारा इस वेस्ट मटेरियल को उस बॉडी से बाहर निकाला जाता है, सारा इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं. अगला चैप्टर है हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नहीं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. स्टिमुली अभी आप लोग को समझाए थे, बाहर अगर तेज रोशनी आंख पे पड़ रहा है, आप अगर आंख को बंद नहीं किए तो आंख की रोशनी चले, आंख खराब हो जाएगा आपका. कम रोशनी उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आंख की पुतली को अपना बड़ा नहीं कीजिएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग टकरा जाएंगे. नहीं, अगर मान ली ठंडा पड़ रहा और हम हीरो बने हुए कि नहीं हम स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनेंगे, आराम से उसमें घूम रहे हैं, तो क्या होगा, बैंड बजेगा हम लोग का, दैट मीन्स तबीयत खराब हो जाएगा. नहीं, तो यही स्टिमुली के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, कि किस लिए, सर्वाइव करने के लिए. तो अगर नहीं, अगर ज्यादा बॉस बनोगे, अगर नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो फिर मरोगे. नहीं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली द प्रोसेस विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, जिंदा रहने में मदद करता है इन द चेंजिंग एनवायरमेंट अराउंड देम इज नॉन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे. नहीं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से बता रहे, जैसे हम बोले हाँ जी नोट्स कॉपी आप लोग निकालो, ठीक है चलो लिखना स्टार्ट करो, हम बोल रहे हैं तो आप लोगों को क्या कर रहा है, कान में सुनाई दिया. सुनाई देने के बाद वो ब्रेन को क्या किया, ऑर्डर दिया. ब्रेन बोला बैग में से कॉपी निकालो, लिखना स्टार्ट करो. नहीं, ये क्या हो गया, ये हो गया सही ढंग से रिस्पांस करना. रिस्पांस दैट मीन्स आप लोगों का ब्रेन सही वर्क कर रहा है. अब हम बोल रहे हैं कोई कॉपी वगैरह निकाल के नोट्स लिख नहीं रहा है. नहीं, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका ब्रेन का, आपका हैंड का सही नहीं है. बैंड बजेगा, उठाएगा, पनिशमेंट आपको टीचर देंगे. नहीं, इसी को कहते कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, अब चलिए ग्रोथ. अब ग्रोथ तो सबको मालूम है, छोटा सा चीज, हम लोग छोटे थे, छोटे से लेके इतने बड़े हो गए, तो इसको क्या होता है, ग्रोथ हो गया. नहीं, आगे देखते हैं. अब मूवमेंट. मूवमेंट क्या होता है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं, सर हम लोग को पढ़ना नहीं तो कोर्स नहीं कम्प्लीट हो पाएगा. नहीं, हम लोग को कमाना है नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या. मम्मी लोग अगर मूवमेंट नहीं की तो खाना बनेगा कहाँ से. नहीं, हम लोग को दोस्त से मिलने जाना है. द ऑर्गेनिज्म आइदर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव्स इट्स बॉडी पार्ट्स व्हाइल रिमेनिंग एट द सेम प्लेस. इसी को कहते हैं मूवमेंट. ठीक है, दो तरह का मूवमेंट हम बता चुके हैं, स्लो मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट. हम लोग में जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या है, फास्ट मूवमेंट. प्लांट में जो होता है क्या है, स्लो मूवमेंट. और सबसे लास्ट में आता है रिप्रोडक्शन. नहीं, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपना मतलब एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना मस्ट है. ठीक है, इट इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. नहीं, सो दैट ऑर्गेनिज्म कुड लाइफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवर, हमेशा के लिए. किसी जैसे डायनासोर वगैरह हो गया, अब नहीं जन्म ले रहा है, नहीं देखने को मिलता है. व्हाइट टाइगर वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है. गोरैया वगैरह बहुत सारे ऐसे बर्ड्स जो हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलते. नहीं, अब आता है कि एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या है, एनर्जी जरूरी है. ठीक है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है तो उसमें एनर्जी की कमी हो रही है. ठीक है, तो उसको एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिलना चाहिए. तो ये केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द, कहां से हम लोग को मिलता है, फूड से मिलता है. कहां से मिलता है हम लोग को, हम लोग को फूड से मिलता है. कैसे मिलता है, फूड से मिलता है. नहीं, तो एक तरह से कहा जाए जैसे गाड़ी हम लोग को चलाना है तो हम लोग पेट्रोल भरते हैं. नहीं, चूल्हा जलाना है तो गैस चूल्हा लाओ भैया. ठीक है, खाना तभी बनेगा. तो ठीक इस तरह हम लोग को चलाने के लिए फ्यूल का काम कौन करता है, तो फूड. फूड हम लोग के लिए क्या है, फ्यूल का काम करता है. यहाँ पर हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस का एंड. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आप लोग का न्यूट्रिशन वगैरह.
ठीक है भाई, नोट्स लिखते जाइएगा और सेल्फ स्टडी मस्ट है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।